खरगोन की कुंदा नदी के तट पर ऐतिहासिक प्राचीन सिद्धि विनायक गणेश मंदिर में गणेश उत्सव के दौरान श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ता है। यह गणेश जी की 9 फीट की मूर्ति कमल के फूल पर विराजित है। मूर्ति करीब 6 फीट की हिस्सा दिखाई देता है, बाकी हिस्सा जमीन के अंदर है। मूर्ति में शीर्ष पर चंद्रमा, नेत्र, हाथों में शिवलिंग की अंगूठी, गले में 108 रुद्राक्षों की माला, चतुर्भुज रूप में भगवान के एक हाथ में लड्डू और दूसरे हाथ में माला लिए विराजित है। अद्भुत दर्शन को लेकर प्रदेश ही नहीं सीमावर्ती महाराष्ट्र, गुजरात सहित प्रदेश के विभिन्न जिलों में लोग गणेश उत्सव के दौरान दर्शन करने पहुँचते हैं। प्रतिदिन अलग अलग भव्य श्रृंगार किया जाता है। करीब 500 वर्ष से अधिक प्राचीन ऐतिहासिक मूर्ति की स्थापना नागा साधुओं ने की थी। मूर्ति की स्थापना को लेकर कहा जाता है कि नागा साधु बाबा की मूर्ति और कहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन यज्ञ पूजन के बाद यहां से मूर्ति नहीं हिली। नवलपुरा गांव से मूर्ति लेकर यहां नागा साधु रात्रि विश्राम के लिए रुके थे। मंदिर को लेकर धार्मिक मान्यता है कि यह गणेश उत्सव के दौरान मांगी गई हर मनोकामनाएँ श्रद्धालुओं की पूरी होती है। लोगों के दर्शन के लिए भीड़ उमड़ती है। खरगोन से जयंत गुप्ता की रिपोर्ट। जी, गणेश उत्सव का बड़े धूमधाम से आयोजन होता है और मंदिर समिति के प्रमुख श्री कैलाश जी महाजन अमित काटन इसके संपूर्ण कार्यक्रम के प्रभारी रहते हैं। इनके मार्गदर्शन में प्रतिदिन भगवान श्री गणेश जी के ऊपर सहस्रावर्तन का अभिषेक तथा प्रतिदिन सायंकाल भगवान का मनोहारी श्रृंगार किया जाता है। साथ ही 10 दिनों के अंदर यहाँ लगभग 2 से 3 लाख श्रद्धालु आते हैं। अपनी मनोकामना पूर्ण होने पर यहाँ श्रीफल एवं अपनी जो भी मन्नत होती है वे यहाँ पर चढ़ाते हैं। क्या साल पुराना यह मंदिर? लगभग 500 वर्ष पुराना है, प्राचीन है। पंडित आनंद स्वरूप मलतारे। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।